इज ऑफ क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अब मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रॉपर्टी का नाम बताना है। उसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ हुआ है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है ये बताना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट है -4/5 × 1 = -4/5 = -4/5। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है इस क्वेश्चन में, कैसे पता लगाएंगे? जैसे ये 1 इधर था, फिर इधर आ गया और यहाँ पे ये 1 हट गया, तो इसमें 1 क्या हुआ, 1 क्या हुई, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हुई। ठीक है, अब है सेकेंड है जो -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। ये एज इट इज ही है। ठीक है, अब एज इट इज है तो ये पता है ना, a × b = b × a। यहाँ पे a × b की फॉर्म है और यहाँ पे b × a की फॉर्म है बस। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है थर्ड है जो -19/29 × 29/-19 = 1। अब पता है ना, कोई भी दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे क्या आता है, 1, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। अब मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन सिक्स जो है, -6/13 / -7/16। तो रेसिप्रोकल बताना है, -16 का कितना है, -7/16 का रेसिप्रोकल है -16/7। इसका रेसिप्रोकल ये होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले रेसिप्रोकल करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो -7/16 का रेसिप्रोकल होता है -16/7। ठीक है, तो ये 6/13 × -16/7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है -96/91। ठीक है, 6 × -16 कितना होता है, -96, और 13 × 7 कितना होता है, 91। तो -96/91 इसका क्वेश्चन 6 का आंसर है। ये इस तरह क्वेश्चन 6 सॉल्व किया जाता है। अब मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यही है कि प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 1/3 × (6×4/3) जो कि ऐसे लिखा हुआ है, बाद में फिर ऐसे लिखा हुआ है, 1/3 × 6 जो ब्रैकेट में है × 4/3। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो ये तो ए हो गया 1/3, ये ए हो गया, ये इंटू, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 6 हो गया बी, और इंटू फिर ये 4/3 हो गया सी। तो ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद ये इस फॉर्म में बन गया, 1/3 हो गया ए इंटू 6 हो गया बी और ब्रैकेट इंटू 4/3, तो ये हो गया सी, ये इस फॉर्म में बन गया बाद में। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक आई होप कर पाओ, बहुत ही ईजी है। फिलिंग द ब्लैंक्स ये है, और वाई येस और नो का आंसर बताना है, कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना हो, करना नहीं है ज़्यादा सॉल्व। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन 11 तक आप लोगों के लिए होमवर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे।